आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मां ने रची अपने ही बेटे के अपहरण की झूठी कहानी। गोरखनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने महज 2 घंटे में कर दिया अपहरण की झूठी कहानी का पर्दाफाश। रुपयों के लालच में मां ने ही मात्र 50,000 रुपए में बेचा था अपने लाडले को। एसपी सिटी ने किया सनसनीखेज खुलासा। देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र वसंत, कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की असामयिक मौत पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, खजने के ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनके आवास पर पहुंचकर व्यक्त किया शोक संवेदना। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मृतिका रंभा देवी हत्याकांड का गुलहरिया पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। अवैध संबंधों के शक में विवाहिता के प्रेमी बिकाऊ ने गला दबाकर की थी रंभा की हत्या, हुआ गिरफ्तार। गोरखपुर में रविवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,322। अब तक 846 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 57 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। डकैती की योजना बनाते हुए 8 अभियुक्तों को रामगढ़ताल पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 1 देशी तमंचा, 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, 1 भुजाली चाकू, 2 लोहे की रॉड किया बरामद, भेजा जेल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद मीडिया से रूबरू हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। कहा, गोरखपुर क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख पद पर 147 सीटों में से 107 सीटों पर भाजपा की हुई शानदार जीत, होगा क्षेत्र का समुचित विकास। माध्यमिक शिक्षा संघ ठगुराई गुट की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। संगठन को मजबूती और शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए दिलाया गया शपथ। और कोरोना गाइडलाइन के तहत लागू साप्ताहिक बंदी के दौरान रविवार को भी बंद रही महानगर की दुकानें, लेकिन सड़कों पर वाहनों का आवागमन रहा जारी। बेफिक्र घूमते नजर आए लोग, नहीं दिखा कोरोना का कोई खौफ।